सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्टिव्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत राव, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंजीनियर्स की जो जॉब के लिए स्ट्रगल क्या क्या करना होता है, कैसे स्टूडेंट्स अपना स्ट्रगल करके कैसे मायूस हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इंजीनियर जो भी इंजीनियर स्टूडेंट कर रहे हैं, हालांकि देखो इंजीनियर में अच्छा खासा स्कोप है, बट दोस्तों स्कोप तो उन्हीं के लिए है ना जिनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था। बट लेकिन दोस्तों पहले क्या हो गया था कि पहले एक के पीछे एक जैसे सोच लिया कि हाँ ठीक है, एक वो कर रहा है, मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, बट दोस्तों वो इंजीनियरिंग कर लेता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उसको थोड़ा सा मायूस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसका तो इंटरेस्ट था उसके दोस्त का, तो उसने इंजीनियरिंग की, बट दोस्तों दूसरे का जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो वो इंजीनियरिंग में उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है और दोस्तों वो लास्ट में पीछे रह जाता है। और दोस्तों जॉब का जब टाइमिंग आती है तो दोस्तों वो इंटरव्यू के टाइम में ये सब कुछ देखते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह देखी जाती है, तो वो मायूस हो जाता है और दोस्तों उसको जो है सैलरी पैकेज वगैरह कम दिया जाता है। तो इस वजह से दोस्तों ये स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और दोस्तों वो जगह जगह पर जा जाकर ऐसे इंटरव्यू दे देकर वो मायूस हो जाता है। दोस्तों इंजीनियरिंग क्या होता था पहले के टाइम में, इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा डिमांड में थी और अच्छे खासा उसका डिमांड भी थी, पर दोस्तों ये धीरे 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 चलते चलते ये ज्यादा ही कुछ इंजीनियरिंग हो गई और दोस्तों बहुत से लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली और आज दोस्तों वो मायूस बैठे हैं। और कुछ लोग तो इंजीनियरिंग बीच में ही छोड़ देते हैं और दोस्तों अपने घर पर ही अपना काम करना पसंद करते हैं, अभी दोस्तों जिनकी खेती बाड़ी है वो खेती बाड़ी करना ही पसंद करते हैं, और दोस्तों कुछ ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है। और लेकिन दोस्तों इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है कि अब इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं करियर नहीं है, इंजीनियरिंग में अच्छा खासा स्कोप है, अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, बट दोस्तों अब इसमें ये आता है कि आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, तभी तो आप इंजीनियरिंग में सक्सेस हो पाएंगे। आपका आप है ना जो भी करना चाहते हैं तो अच्छे से करेंगे ना तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब हो, चाहे किसी भी फील्ड से जॉब हो। यानी दोस्तों इंजीनियरिंग में आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, मतलब किसी भी स्ट्रीम से आप इंजीनियरिंग की हो, चाहे आपने कंप्यूटर में की हो, चाहे आपने किसी में भी की हो, तो दोस्तों आपको क्या है कि इंजीनियरिंग में सक्सेस होने के लिए आपका इंटरेस्ट जरूरी है। और इंटरेस्ट के साथ साथ आपको दोस्तों आपने जो भी पढ़ाई की इंजीनियरिंग के अंदर आपने एक इंटरेस्ट के साथ की है और दोस्तों आपने क्या है कि पूरा नॉलेज लिया है उस चीज का, तब तो दोस्तों आप सब सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप उनमें से हैं जो वो जैसे घर वालों प्रेशर में आके या फिर दोस्तों किसी के प्रेशर में आके या फिर दोस्तों किसी का देखा देखिए आपने इंजीनियरिंग कर ली पर दोस्तों आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में था, तो दोस्तों आप मायूस जरूर हो जाएंगे और दोस्तों हो सकता है कि आप आगे जाके सक्सेस ना हो पाए इंजीनियरिंग लाइन में, क्योंकि दोस्तों इंजीनियरिंग स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दोस्तों इसमें बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा काफी तादाद में ज्यादा हो गए हैं। और दोस्तों इस तरह से ना अगर आप जॉब करना चाहते हैं इंजीनियरिंग की, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग में करियर अच्छा है, आप ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ना करें, मैं ऐसा नहीं बोलता, पर दोस्तों इंजीनियरिंग करने के लिए ना आपका इंटरेस्ट है ना आपको देखना होगा कि क्या रियलिटी में आप इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो कंप्यूटर स्ट्रीम में हो, चाहे आप सिविल में हो, चाहे भी किसी भी इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आपको है ना पहले सबसे पहले देखना होगा कि रियलिटी में आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर देखना है कि हाँ इसके अंदर आगे जाके स्कोप क्या क्या है। अगर आप दोस्तों अब देखिए दोस्तों अब कोर्स चूज करने से पहले आप 12th के बाद क्या है कि कोर्स चूज करने के लिए जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको करना है कि आप देखिए इसमें स्कोप कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस स्ट्रीम में आपकी इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम है किस कोर्स को आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो सब कुछ आपको देखना होगा और इसमें आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दोस्तों आगे की आप लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, तो दोस्तों वो सब कुछ आपको है ना देखना होगा। उसके बाद दोस्तों आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों आपको क्या है कि स्टार्टिंग से ही जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तब इससे स्टार्टिंग से ही आपको उसमें इंटरेस्ट रखना होगा और धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट के साथ साथ इसको आगे लेकर जाना होगा। और दोस्तों आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि दोस्तों यही चीजें आगे जाकर आपको कंपनीज वगैरह या फिर दोस्तों किसी भी आप कंपनीज वगैरह में काम करते हैं वहां पे ये चीजें काम आने वाली है। और दोस्तों आप अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं इंजीनियरिंग करके, ऐसा नहीं है कि कंपनियों में काम करते हैं, बहुत से इंजीनियर ऐसे भी हैं जो अपना काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम कर लिया तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन का किसी ने काम कर लिया और दोस्तों किसी ने कंप्यूटर में किया तो किसी ने कंप्यूटर फील्ड का कुछ काम कर लिया, तो दोस्तों ऐसे करके आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको इंटरेस्ट होगा ना तभी तो आप आगे जाकर सक्सेस हो पाएंगे, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, तभी तो बोलता हूँ कि आपको स्ट्रगल है ना इंजीनियरिंग लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आप इंजीनियरिंग लाइन में कदम धरें और रखें और आपको क्या है कि आपको देखना है कि अब आपका इंटरेस्ट है, और आपका इंटरेस्ट नहीं है ना कि आपको ऐसे प्रेशर में फैमिली के प्रेशर में आके आपने कर लिया या फिर दोस्तों किसी के प्रेशर में आके आप किसी के देखा देखिए आपने कर लिया, तो दोस्तों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इससे अच्छा आप कोई अपना इंटरेस्ट देखिए किसमें आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आप जाइए और उस फील्ड में आप आराम से सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। तो इस तरह से है ना इंजीनियरिंग की स्ट्रगल भरी लाइफ रहती है कि अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा खासा था और आपने अच्छी खासी खूब अच्छा आपने अच्छे से स्टडी की, अच्छे से आपने उसको सीखा है, अच्छे से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है और अच्छे से आप उसमें दिमाग लगा सकते हैं और दोस्तों आपका इंटरेस्ट उसी में बना हुआ है, आपका एक ही टारगेट है इंजीनियरिंग में आपको सक्सेस होना है, तब आप जाकर कहीं इंजीनियरिंग में सक्सेस हो सकते हैं और दोस्तों आप आगे जरूर बढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग लाइन भी एक बेस्ट लाइन
होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।